कर रहा था तो ये मिश्कात भाई जो है मुझे मिले, जिनका फट्टा ही होता रहता है। फुल जो है आप सामने प्रैंक चल रहा है, जो है आवाम को चुतिया बनाया जा रहा है व्यूज के लिए और कुछ नहीं है। देखे सामने आप, क्या हुआ मुश्कात भाई, पड़ा हुआ है मुश्कात खान के साथ जो लड़का था, उन्होंने देखा कि ये बंदा वीडियो बना रहा है, तो भाई साहब ने कान में, ये देखें ये वीडियो में दिख रहा होगा आपको, ये कान में लेकर गया, उनको बताया कि भाई वीडियो बन रही है, पैकअप करो, हमारा भांडा इस बंदे ने फोड़ दिया है। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, तो आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे यूट्यूबर की जो खुद तो बड़े हो गए लेकिन उनके अंदर का जो कीड़ा है ना वो अभी तक बच्चा है, वो अभी तक मरा नहीं है। और मैं बात करने वाला हूँ आज, वैसे मिश्कात खान की नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बेसिकली बात करने का मकसद ये, मेरा ये काम तो नहीं है, ना मैं किसी को रोस्ट करता हूँ ना मैं किसी को बोलता हूँ, लेकिन मुझे कंसर्न है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग ही उसको देखते हैं, आप लोग ही उसको पसंद करते हैं, जो कि आप लोग पसंद करते हैं देखते तो हैं लेकिन वो सब कुछ फेक होता है। अच्छा तो अब आप सोच रहे होंगे मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, भाई मैं बात कर रहा हूँ पूरे पूरे सबूत के साथ। तो ये वीडियो चल रही है, ज़रा आप वीडियो देखिएगा। भाई मैं रोड से गुजर रहा था तो ये मिश्कात भाई जो है मुझे मिले, जिनका फट्टा ही होता रहता है, मेरे ख्याल से चूतिया बनाते हैं। ये देखे सामने पूरा सामने मिश्कात, मतलब ऐसे कैसे फट्टा हो रहा है, रोड पे इन्हीं का फट्टा हो रहा है और किसी का फट्टा नहीं हो रहा है। ये देखो भाई फुल जो है आप सामने प्रैंक चल रहा है, फिर जो है आवाम को चूतिया बनाया जा रहा है व्यूज के लिए और कुछ नहीं है। ये देखे सामने आप, क्या हुआ मिश्कात भाई, क्या हुआ मिश्कात भाई, क्या हुआ, बदमाशी लगाई है, गाड़ी में बैठा उसको, अरे उठा इसको, सभी फिल्मों का देखा, क्या हुआ मिश्कात भाई, पड़ा हुआ है, मोबाइल मांग रहा यार भाई, देखे सामने। अरे ये YouTube की वीडियोस बनाते चूतिया बनाते रहते हैं और कुछ नहीं है, सब वो है। अच्छा बेसिकली मैं बाइक पे निकला हुआ था और ये फुर की चुरंगी आपको पता है नॉर्थ कराची के पास हुआ रहा था ये वाकया, और मेरी बाइक के इत्तेफाक से पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो मैं रुका, इन लोगों की गाड़ी पे आई है, इन्होंने रोका है, पूरा इन्होंने चेक करा है, हाँ भाई माइक वाइक चल रहा है, कैमरा मैन को बोला जानी ओके पोजिशन ले लो ठीक है, इनको नहीं पता कि मैं खड़ा हुआ था, हालांकि खैर मुझे तो जानते भी नहीं है, मेरे पास इत्तेफाक से फ़ोन था, आपको पता है हालात की वजह से मैं रख कर जाता हूँ, तो मैंने जैसे ही फ़ोन निकाला ना तो ये सारा मामला शुरू हुआ, तो मैंने फ़ोन निकाला, और जब फ़ोन निकाला तो प्रॉपर स्क्रिप्टिंग चल रही है वहाँ पे, सब कुछ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इस वीडियो में आप देखें। और जैसे ही उस लड़के ने इनके साथ जो मिश्कात खान के साथ जो लड़का था, उन्होंने देखा कि ये बंदा वीडियो बना रहा है, तो भाई साहब ने कान में, ये देखें ये वीडियो में दिख रहा होगा आपको, ये कान में लेकर गया, उनको बताया कि भाई वीडियो बन रही है, पैकअप करो, हमारा भांडा इस बंदे ने फोड़ दिया है। तो भाई उसके बाद आप देखेंगे किस तरह दुम दबा के भागे। अच्छा चलो ठीक है, मैंने पूछा मिश्कात भाई हुआ क्या, मामला क्या है, मामला तो बताएं मिश्कात भाई, क्या हुआ, क्या हुआ मुश्कात भाई, पड़ा हुआ है, अच्छा चलो ठीक है, मैंने पूछा मिश्कात भाई हुआ क्या, मामला क्या है, मामला तो बताएं, बोला यार मोबाइल मांग रहा है। तो जब वो बंदा मोबाइल मांग रहा है, अगर वो डकैत है या आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको आप गाड़ी से उतार रहे हो, आपके साथ ही बिठा रहे हो और वापस बिठा कर लेकर जा रहे हो, और आपने देखा मोबाइल चल रहा है, तो किस तरह से आप स्पीड से भागे हो, शार्ट हुए हो आप, इन शॉर्ट आपका भांडा फोड़ दिया। तो भाई कहने का मकसद ये, हमें आपसे कोई इतना कोई वो नहीं है, आप भाई हो हमारे, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन यार एटलीस्ट जो बच्चे तुम्हें देखते हैं तुम उस बच्चे को क्या सिखा रहे हो, उनको झूठ बोलना सिखा रहे हो, उनको धोखा देना सिखा रहे हो, यार तुम्हें अल्लाह का वास्ता यार इस तरह ना करो, अगर बंदे तुम्हें देखते हैं बच्चे देखते हैं तो अच्छी चीज़ बताओ, उनको झूठ में मुब्तला ना करो मिश्कात भाई, ये मेरी आपसे दिल से दरख्वास्त है। बाकी आप देख लें भाई इस तरह से होता है, ये लोग यूट्यूबर्स आपको पागल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और आपके जज्बात के साथ खेलते हैं। अच्छा और इसमें एक सबसे बड़ी गलती इन्होंने जो की है, जो कि नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखिए कितना मुतासर हो रहा है इनकी वजह से, क्योंकि ये कहीं भी अपने व्लॉग्स की वजह से रोड जाम कर देते हैं, लोग कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई एम्बुलेंस है, कोई काम पे जा रहा है, कोई इमरजेंसी में जा रहा है, लोग इनके चक्कर में पूरा ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है। तो मेरी इदारों से भी थोड़ी दरख्वास्त है कि ऐसे व्लॉगर के ख़िलाफ़ कुछ एक्शन लिया जाए, एटलीस्ट इनको वार्निंग दी जाए कि वो इस तरह के काम ना करें, और ये हमारा शहर है, हमें इसको बनाना है। और जो बच्चे देख रहे हैं वीडियोस, बच्चों आप लोग देखो और इनको कभी भी फॉलो ना करो, इनके ऐसे कामों से दूर रहो, और आप इस तरह की हरकत कोई नहीं करना। तो मैं आपका यूट्यूबर समी, आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इन फ्रॉड लोगों से ना थोड़ा सा अलर्ट रहें। अल्लाह हाफिज़।